हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के गठन के साथ ही एनसीआर सोनीपत में प्याज के दामों में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। आप यह रिपोर्ट देखें। सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी जब होती है तब घरेलू महिलाओं की रसोई का बजट डगमगा जाता है। हालत कुछ इस तरह के बन रहे हैं कि पिछले सप्ताह के मुकाबले प्याज जहाँ 30 रुपए प्रति किलो मिल रहा था अब 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। परिणाम स्वरूप महिलाओं की रसोई में महंगे दामों वाले प्याज का तड़का लगेगा। सब्जी मंडी में पहुंची महिलाओं ने बताया कि महंगाई उनका पीछा नहीं छोड़ रही है और प्याज अब दोगुना महंगा हो गया है। रसोई के बजट मुताबिक की खरीद रहे हैं। प्याज की बड़ी कीमतों पर थोक विक्रेताओं ने बताया कि महाराष्ट्र के नासिक से प्याज पहुँचता है, वहाँ से महंगा मिल रहा है तो वह भी यहाँ रेट के मुताबिक ही सब्जी मंडी में प्याज बेच रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रबी मौसम में प्याज की फसल खराब होने का भी एक मुख्य कारण है। जून से बाजार में उपलब्ध होने वाला प्याज सीधे किसानों के खेतों से नहीं बल्कि व्यापारियों द्वारा गोदामों के स्टॉक से आता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्याज और भी अधिक महंगा हो सकता है। अर्थ प्रकाश के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। प्याज देखो जी सा नासिक से भी आ रहा है जी, पुणे से भी आ रहा है, राजस्थान भी चल रहा है, बढ़ सकता है जी और बढ़ेगा। मान के चलो 30 रुपए से लेके 35 रुपए तक के बाजार है किलो का। हाँ जी किलो का होलसेल का रेट है जी, ये परचून का नहीं है। परचून का क्या रेट रहेगा? परचून का जी यही बेच रहे हैं 40 रुपए 45 रुपए 50 रुपए जैसा माल वैसा भाव। भाई प्याज इतना महंगा हो गया, पहले 5 किलो ले लिया करते, अब 2 किलो में काम चलाना, देख देख के प्याज बढ़ता नहीं पड़ा, रसोई का बजट बिल्कुल हिल गया। क्या करें भाई, इतनी महंगाई हो गई है, बुरा हाल। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।